चलिए भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर और द बैंकर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसे कि भाई, हम सब जानते हैं, हम डेली लेके आते हैं आप सभी दोस्तों के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज भी हम लेके आए आज की करंट खबरें, ताज़ा खबरें सुकेश के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लीजिए दोस्तों। तो पहली न्यूज है भाई, अभी हाल ही में एक स्टडी हुआ है कंडक्ट डैन बर्न इंडिया के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच पैक फूड फूड्स एंड बीवरेज कंपनी है। और ये बच्चों साथ में इसने करा है किसके साथ, CII के साथ हाथ मिलाया है। CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इसने बच्चों एक रिपोर्ट बोली है, इसने बोला गया है कि लगभग 46.2% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, पुअर लाइफ क्वालिटी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा बता दिए इन्होंने डेटा, तो दोस्तों इन्होंने चार चीज़ों पे बातचीत करी है, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एनवायरनमेंट और सोशल रिलेशनशिप पे लेकर इन्होंने बातचीत करी। अब ये एक्चुअली एक सर्वे हुआ था 30 से 50 साल की उम्र के लोगों को लेकर, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई, इंदौर, चेन्नई में, और उसी के द्वारा ये रिपोर्ट आई है। तो आपको ये डेटा पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया दोस्तों लोकसभा में 22 जुलाई वाले दिन, यहाँ ध्यान रखिएगा। और इसको लाने का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उनके स्टाफ को स्ट्राइक पे रोकने से जाने के लिए लाया गया है, याद रखिए, जिससे कि वो स्ट्राइक पे ना बैठे और वर्क को ना रोके। तो ये बिल इसलिए लाया गया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो लीजिए भाई, अभी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ने एक रिपोर्ट निकाली है, ऐसे कह सकते हो आप, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। और इसमें इंडिया जो है हमारा कौन से नंबर पर आया है, एक स्कोर लाया है, बहुत अच्छा स्कोर है, 90.02%। तो याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर इंडिया ने अर्न किया है। और 143 इकोनॉमीज की अगर बात करें तो उसमें टोटल ये स्कोर इंडिया ने लिया है। अब यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बात हुई थी बच्चों, पांच इंडिकेटर्स को लेकर बात हुआ था, जैसे ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। इन सभी के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिले हैं, टोटल आपके 90.32% स्कोर मिला है इंडिया को। और ये स्कोर दोस्तों इसका आपके यूके, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड, इन सबसे बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में हमारे यंग इंडियन के रेसलर्स हैं, आपको नाम सुने होंगे, प्रिया जी और तनु, इन दोनों ने बच्चों अभी हाल ही में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना क्या करा है, बाजी मारी है, याद रखना, ये चीज जीत लिया है चैंपियनशिप को। तनु के बारे में बात करा जाए, ये 43 किलोग्राम में, और प्रिया जो है इन्होंने 73 किलोग्राम में क्या करा है दोस्तों, टूर्नामेंट को जीता है, याद रखिए। अगर मेंस फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन की बात करें तो सागर जी और अमन गुलिया ने बाजी मारी है, अमन 48 और सागर 80 किलोग्राम में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया ने नंबर 1 पे फिनिश किया, टॉप किया है 147 पॉइंट्स के साथ। फिर आपका US आया है, फिर आपका रशिया रहा है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इमेज लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में 23 जुलाई वाले दिन डे बनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब याद रखना दोस्तों, 1927 में इस दिन क्या हुआ था, जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, उसने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था बॉम्बे स्टेशन से, उसी के रेस्पेक्ट में डे बनाया था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगली न्यूज बारे में बात करा जाए तो अभी यूनाइटेड किंगडम का है आपका करियर स्ट्राइक ग्रुप। तो करियर स्ट्राइक ग्रुप जो यूके का है, जिसको लीड किया जा रहा है HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट करियर के द्वारा, इसने दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन नेवी के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज को शुरू करा है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। और ये 3 दिनों की हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करा जाए तो ये एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है दोनों कंट्रीज की नेवी मिलकर अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगी, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जैसे कि आपको पता है, रशिया में और US में हमारी फॉरेस्ट फायरिंग देखा गया है ना, फॉरेस्ट फायर्स रेंजिंग की समस्या देखी गई और बहुत सारे फ्लड्स वगैरह हमारे देखे गए वेस्टर्न यूरोप में। तो इसी पे चिंता जताते हुए जो हमारा एनर्जी और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं कहाँ के, G20 नेशंस के, इन्होंने अभी हाल ही में बातचीत किया है इटली में, एक जगह है बच्चों नेपलीस वहाँ पर।
और यहाँ पे मेजरली तीन थीम्स के ऊपर फोकस किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने बोला है हम सर्कुलर इकोनॉमीज हैं, पर्टिकुलर इन टेक्सटाइल एंड फैशन सेक्टर हुआ, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओशियंस हो गया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता होना जरूरी है। चलिए इसके बाद अगर बात करा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं मई में प्रधानमंत्री जी बोले थे कि पीएम केयर के तहत हम एक ऐसी स्कीम लाएंगे जिसमें ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, या तो उनके माँ नहीं रही, या उनके बाप नहीं रहे, या दोनों में से कोई नहीं रहे हैं, या फिर बच्चों कोई गार्जियन नहीं रहा, तो उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकें, उसके लिए एक योजना लाई थी। अब उसी को कहते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करा है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन डॉट इन। तो जितने भी ऐसे चिल्ड्रन हैं जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं या जो अनाथ हो चुके हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, और अगर वो डेटा शेयर करेंगे सब सब कुछ सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना उनको 10 लाख रुपए तक का पैसा दिया जाएगा हर एक बच्चे को, कब, जब वो 18 साल का हो जाएगा। इसके अलावा हर महीने स्टाइफन दिया जाएगा दोस्तों 18 साल के होने पर, कब तक, 5 साल तक, जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, ये भी आपको बताना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे हम जानते हैं, और UGR ने मिलकर हाथ मिलाया है, किसके लिए, जिससे कि हम दोनों मिलकर MSME सेक्टर में लैंडिंग कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रोग्राम है जिसके तहत लैंडिंग कर रहे हैं, उसका नाम है प्रथम प्रोग्राम, याद रखना। इसमें बच्चों हमारा 1,000 करोड़ तक का ये MSME को सपोर्ट करेंगे दोनों मिलकर, UGR और आपका कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा 50 लाख से 2.5 करोड़ तक, यानी कि 2.5 करोड़ तक दिया जाएगा, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का लिया जाएगा, और ये आपका 120 महीनों के टेन्योर के लिए लोन दिया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है, यह पॉइंट पता होने जरूरी है। चलिए दोस्तों स्टैटिक जान लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, आपका बड़ोदरा, इसके चेयरमैन हसमुख जी हैं अड़िया जी, और MD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप चड्ढा हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ UGRO के, तो इसके CMD कौन है, आपके सचिंद्र नाथ जी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लीजिए दोस्तों भाई, अभी एक हमारा डेयरी सॉल्यूशन है, द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशन, इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है, टैग है दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं सुरभि ई टैग। और ये क्या करेगा दोस्तों, जो हमारे कैटल्स होते हैं है ना, उनको जो है आइडेंटिफाई करेगा किससे, उनकी मज़ल इमेजेस से। मज़ल इमेजेस क्या होती हैं बच्चों, जैसे कि जानवरों का जो फोटो, आंखों का, नाक का, मतलब चेहरे का जो पिक होता है, उसको लिया जाएगा और उसको क्या करा जाएगा, हमारा करेक्ट करके उसको अपलोड किया जाएगा हाई रिजोल्यूशन में, जिससे कि हम उनको टैकल कर सकें, उनको क्या कर सकें, उनका इंश्योरेंस कर सकें। ठीक है, इसका यूज़ किया जाएगा कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए, जो कि ऑफर्ड करेगा कौन, आपका द्वारा ई डेयरी पार्टनर, किसके साथ मिलकर, ई डेयरी इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है चलिए, इसके अलावा याद रखना अनामिका रॉय जी यहाँ पे क्या है बच्चों, इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स के गुड़गांव में है, और 2000 में इसको बनाया गया था। देखो मैं बताया था ना मज़ल इमेजेस क्या होती है, देखो ये है, देखो उसका चेहरे का, आँख, नाक, मुँह का, और ये देखो यहाँ पे ठप्पा लगा दिया, इसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको हमने इमेज दे दिया है, इस तरीके से इनका इमेज लिया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए लीजिए दोस्तों अगली खबर बहुत प्यारी है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बोला है फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन रहेंगे मेंस में, हमारे संदेश चिंगम जी, याद रखिएगा, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम आया है सुरेश सिंह वांजम जी का नाम आया है, ये भी पता होना जरूरी है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ के बात करा जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल जी हैं दोस्तों, ये बनाया गया था 1937 में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों बच्चों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की शूटर रुबीना जी, इन्होंने देश का नाम रोशन करा, और इन्होंने भाई एट प्रेजेंट जो हमारा पैरा स्पोर्ट्स कप चल रहा है पेरू में, वहाँ पे इन्होंने भैया गोल्ड जीत लिया है 10 मीटर एयर पिस्टल में, लो भाई देश का नाम रोशन कर दिया और मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन करा है, ये आपको बताना जरूरी है। चल देखिए कितनी, देखा जाए तो आपके सामने पिक से लग रहा है कितनी यंग है। चल आगे देखते हैं दोस्तों, अभी दोस्तों हमारे मिस्टर टी सुब्बाराव जो RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उनके द्वारा एक बुक का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है बैंक विद अ सोल इक्विटस, और इसको लिखा है डॉक्टर सी के गरियाली जी ने। अब जो गरियाली जी हैं दोस्तों, फाउंडर ट्रस्टी हैं किसके, इक्विटस डेवलपमेंट इनिशिएट ट्रस्ट के, ये भी आप बताओ, यानी कि ADID। तो फिलहाल
बुक का नाम, ऑथर और इसके किसने रिलीज किया है आपको पता होना जरूरी है। लीजिए भाई, जैसे कि अभी मैंने एक बुक बताई, अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा भी एक बुक रिलीज किया गया है जिसका नाम है पालेकु पट्टाभिषेकम। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको लिखा गया है किसके द्वारा, याला मांचिली शिवाजी ने लिखा है, और ये भारत के जो रूरल एरिया है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर आधारित है, ये भी आपको बताना जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करा जाए तो अभी हाल ही में जो हमारे फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी निकाल दी है और उसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। और इसको जो लिखा गया है, को राइटर है इसके साथ में रीता रामा मूर्ति गुप्ता जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, और रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए, जो हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई वाले दिन, और इस बार भी वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया 22 जुलाई, और ये बनाया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा। याद रखना दोस्तों, इस बार का थीम इम्पोर्टेंट है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये इसका थीम रहा है, ये आपको बताना जरूरी है। चलो इसके बाद अगर बात किया जाए तो बच्चों, अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID की को फाउंडर रह चुकी हैं गीता गीरा साराभाई, गीता नहीं है सॉरी, गीरा साराभाई हैं, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा बच्चों, ये कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल इनके द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है, और ये जो है आपकी अम्बाला साराभाई जो जाने माने इंडस्ट्रीज थे उनकी डॉटर थी, और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन भी थी, याद रखिएगा, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। आप देखिए एज भी कितनी है ना। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में बच्चों, जाने माने क्लासिकल वॉयलिनिस्ट हैं कला इमामनी सिक्की सिकिल श्री आर भास्करन, इनकी भी बच्चों अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है, और इन्होंने बच्चों 11 साल की उम्र से वॉयलिन को सीखना प्रारंभ कर दिया था। फिलहाल अब इन्होंने अंतिम सांस ली, अभी नहीं रहे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अगली न्यूज के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में यूनेस्को ने बोला है कि वो जो लिवरपूल वाटर फ्रंट है उसको अपनी हेरिटेज साइट से रिमूव कर रहा है। लो भाई, रिमूव कर दिया है क्या? और अभी एक कमेटी बच्चों बातचीत हुई थी जिसको चाइना के द्वारा चेयर किया गया था, ठीक, तो यहाँ पे देखा गया कि कौन कौन इसके फेवर में है, कौन कौन इसके अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे कंट्री जो उसके अगेंस्ट गए, किसी ने सपोर्ट किया तो कोई अगेंस्ट चला गया, ठीक है। चलिए अब यूनेस्को के बारे में याद रखना, हेडक्वार्टर्स का पेरिस, ऑर्डर ऑफ क्या है इसके हेड, और 1945 में बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज देखते हैं, पहले देख लो भाई ये कितना सुंदर नजारा है, लिवरपूल का वाटर वे है, ठीक है, आगे देखते हैं। अरे वाह, लो भाई दोस्तों, हो गई, आज के सारे करंट कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्लास शेयर लाइक करो, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब एक बात मैं बताऊँ, अभी 21 जुलाई से हमारे इंडिया हमारे यहाँ पे अन अकेडमी पे नए कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था आपको, सुबह 7:30 बजे मेरा नया कोर्स चल रहा है, 21 जुलाई से आया है, वो ऑफिस में एनरोलमेंट कराइए। दूसरी चीज, अन अकेडमी कॉम्बैट दोस्तों हर संडे होता है सुबह 10 बजे, कल होने जा रहा है तो जरूर पार्टिसिपेट करना, और यहाँ पे अनलॉक करते समय और जितने भी सब्सक्रिप्शन ऑफर हैं उनका फायदा लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड सुकेश सर यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट लेता है तो ये कोड लगाएं, और इस कोड को लगा के पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, ठीक है, इससे आपकी कॉम्बैट ओपन भी हो जाएगी और आप फटाफट फटाफट देख पाएंगे क्या क्या आपने कितना स्कोर किया, और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जिस्टिंग ऑफर्स हैं इस बार कॉम्बैट में, उनको भी आप जीत पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो क्लास, क्लास अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर हम कल सुबह दोबारा से डेली करंट अफेयर्स के साथ, जब तक के धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।